हेलो सर, मेरा नाम हर्षित राज है, मैं बिहार से हूँ। कैमरे के सामने एक्ट करते समय शुरू में तो डर नहीं लगता है, लेकिन फिर बाद में एक्शन फंबल होने लगता है, हाथ कांपने लगता है, ये क्यों होता है सर? हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। सिंपल सा है, आप नर्वस हो। कोशिश करते हैं कि नहीं हो? कोशिश करोगे तो नहीं, आपको तो करते जाना है, हो जाएगा। एकदम क्या होता है, हम ना नर्वसनेस को बहुत बुरा समझते हैं। नर्वसनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, पहले तो ये माइंड से हटा दो। हम ना नर्वसनेस को कमज़ोरी समझते हैं। हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो नर्वसनेस होना नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो पहले तो उसको ना ये नेगेटिव पॉजिटिव में मत बांटो। आजकल भी बहुत सारे शब्द आ गए ना, उन्होंने बहुत दिमाग ख़राब किया हुआ है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कुछ नहीं है, सब फैक्ट है। मैं नर्वस हूं तो हूं, वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? मैं बोल सकता तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बात है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारी नर्वसनेस तो ऑटोमेटिक नहीं जाने वाली, कोई गोली तो आती नहीं, खाई और हो गया, पॉसिबल नहीं है। तो नर्वस होना बुरी बात नहीं है, बल्कि नर्वसनेस आपको यह बता रही है कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको और ज़्यादा स्टेप्स को रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्शन आ गया, बस कर लो। अगर नहीं करोगे तो ये नर्वसनेस बढ़ेगी, ठीक है, और अगर करोगे तो ये ऑटोमेटिक घटेगी। नर्वसनेस के बारे में सोचो मत। आज कितने भी बड़े आर्टिस्ट हों, बड़े एक्टर हों, सिंगर हों, कोई भी हो, सब नर्वस होते हैं, इट्स नेचुरल थिंग। अमिताभ बच्चन तो आज भी कहते हैं कि मैं पहले शॉट से पहले नर्वस होता हूँ, तो वो इतना पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नर्वस होने से आप क्या होते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, कॉन्शियस होने से आप ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हो, तो इसमें बुराई क्या है? क्लियर हो रहा है? लेकिन क्या हुआ, अब नर्वस हुआ मैं, तो मैंने बोला नर्वस हो रहा हूं यार, ओके ठीक है, तो मैं डायलॉग को एक बार और अच्छे से देख लेता हूं, एक बार रिहर्सल कर लेता हूं। चलो क्लासरूम में कोई लोग हैं, बाहर कोई लोग हैं, ऑडिशन रूम में कोई लोग हैं, मैं बाहर निकल के एक बार और प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो नर्वसनेस क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। अब मैं क्या बोलूँगा यार, पता नहीं क्यों नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों नर्वस हो रहा हूँ, तो वो परफॉर्मेंस को बिगाड़ देगी, डाउन कर देगी। और अगर आप परफॉर्म करते टाइम नर्वस हो भी गए, फंबल आ भी गया, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे भी कि हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस आए? परफेक्ट परफेक्ट कौन है यार, ये परफेक्शन होता क्या है? अपने पेरेंट्स परफेक्ट हैं, भगवान परफेक्ट है? तो जब पेरेंट्स और भगवान परफेक्ट नहीं है, हम उनसे भी नाराज हो जाते हैं कि भगवान को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर हम अपने आप को क्यों बनाने में लगे हुए? परफेक्शन क्या होता है? परफेक्शन जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए है कि भाई मैं चीज़ को फॉलो करूंगा, सिस्टम को फॉलो करूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा आने दो। नर्वस होना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात नहीं है। अगर मान लो आज आप किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, तो नर्वस हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए, ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर एक बार प्रपोज किया, ओके हो गया, अब दूसरी लड़की के पास गए, नर्वस हो गए या नहीं हो गए? कम हो गए, ठीक है। अब तीसरी लड़की के पास गए, हो सकता है कम, उससे भी कम, उससे भी कम। चौथी लड़की के पास गए, पांचवी बार में खत्म, पांचवी बार में खत्म। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, आदमी प्ले बॉय। तो आपको एक्टिंग का प्ले बॉय बनना ना, कि मेरी पहली परफॉर्मेंस नर्वस कोई बात नहीं, दूसरी बार नर्वसनेस कोई बात नहीं, तीसरी बार कोई बात नहीं, पांचवी बार हो गया, पांचवी बार भी नर्वस तो हो गए कि इसको बाकी चार का पता ना चल जाए, थोड़ा तो रहेगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो बहुत पिटोगे, है ना? तो उतना नहीं होगा, नर्वस तो हो गए लेकिन कम हो गए, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है, वो कम होती चली जाएगी। तो यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, आपने लाइफ में देखा है इसको करके। आप नर्वस पहली बार साइकिल चलाने में भी हुए थे, लेकिन आप रुके नहीं, तो इसमें रुको मत। गिरे थे फिर चलाई थी, रुके नहीं थे,
इसमें भी आपका फंबल होना, ये सब क्या गिरना ही है ना, परेशान मत हो। अगर मुझे बेस्ट एक्टर बनना है तो इस रास्ते से तो गुजरना पड़ेगा। क्लियर अभी? हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।